हम ईए का अकाउंट बनाते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, ठीक है, और अपना मंथ डालते हैं, ईयर डालते हैं, जो भी हमारी ईयर है वो यहाँ पर हम डालते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही हम अपनी ईमेल यहाँ पर डालते हैं तो वहाँ पर हमें लिखा हुआ आता है इस तरीके से, द ईमेल एड्रेस यू हैव एंटर्ड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वेंट टू साइन इन इंस्टेंट। तो इस तरीके से इशू दिखाई देता है। तो गाइस इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी जो है ईमेल आईडी अगर आपके पास दूसरी हो तो बस चेंज कर लीजिएगा, वो भी इस वजह से कि आपने शायद अपनी ईमेल आईडी से पहले अकाउंट बनाया हो तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप दोबारा अपनी ईमेल आईडी से उसी अकाउंट को बनाते हैं तो वो सिर्फ बोलता है कि आपका अकाउंट पहले से बन चुका है तो आपको दोबारा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट आपको बनाना है तो ईमेल आईडी चेंज कर लीजिए। एंड अगर आपको उसी अकाउंट से लॉगिन करना है तो साइन अप पर जाइए, ठीक है, साइन इन, ठीक है, साइन इन पर जाइए एंड यहाँ पर अपनी वाली ईमेल आईडी डालिए एंड पासवर्ड अगर आपको पता है, होगा पता वैसे, और उसे डालकर साइन इन कर दीजिए, नहीं पता है तो फॉरगेट कर लीजिए। फॉरगेट पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं और आप इजीली फॉरगेट कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।